राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर का कनिष्ठ सहायक एवं प्राइवेट व्यक्ति को 1,90,000 रुपए की रिश्वत लेते और देते हुए एसीबी ने आज ट्रैप किया। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, सीट आवंटन तथा निरीक्षण में मदद के लिए रिश्वत ली जा रही है। ट्रैप के बाद दोनों ही आरोपियों के घर और अन्य ठिकानों पर एसीबी ने दबिश देना शुरू कर दिया। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आज रिवर्स ट्रैप करते हुए पैसा लेने और देने वालों को गिरफ्तार किया है। इनकी शिकायत मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद दोनों का मोबाइल सर्विलांस पर रखा हुआ था। एलडीसी नंद किशोर शर्मा को प्राइवेट आदमी 1,90,000 रुपए की रिश्वत लेते और देते हुए गिरफ्तार हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि एसीबी मुख्यालय को जानकारी मिली थी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी कर्मचारी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, सीट आवंटन तथा निरीक्षण में शिथिलता के नाम पर मोटी रकम रिश्वत लेन देन कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस पर जानकारी का सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने एलडीसी नंद किशोर शर्मा को बंशीलाल गुज्जर से 1,90,000 रुपए की रिश्वत लेने और देने के जुर्म में गिरफ्तार किया। देखते रहिए देश सार्थक न्यूज़।